बता दें, सेना अध्यक्ष के तौर पर मनोज मुकुंद नवाने ने पद ग्रहण कर लिया है और उसके बाद क्या कहा उन्होंने सुनिए। पूरे थल सेना के अफसर, JCOs, NCOs और बहादुर जवानों को मेरे तरफ से नए साल के शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सेना के सामने सर क्या कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? यस सर, यू हैव सम टाइम बिफोर, व्हाट आर योर प्रायोरिटीज, व्हाट आर द मेजर इश्यूज यू आर गोइंग टू लुक एट नाउ दैट यू टेकन ओवर एज चीफ एंड यू विल कंसंट्रेट ऑन immediately? Priorities will always remain to be ever ready to meet any challenge and to be operationally prepared at all times. This will happen as a result of modernization. We will continue to build up our capabilities, especially in the north and northeastern regions of our country. We will also pay emphasis on raising the security awareness amongst our rank and file, as also pay special attention to the issue of human rights. Is there any gap that you would want to critique, which you think is a critical point and you want to fill it up as a leader? Sir, मेरा सवाल है कि सेना के सामने कौन सी चुनौतियाँ देखते हैं? देखिए, अब बात सर्जिकल स्ट्राइक से कहीं ज़्यादा आगे PUK के हासिल करने की हो रही है, सरकार बार बार कह रही है, कैसे देखते हैं सेना उसके लिए कितना तैयार है? हम जो भी थ्रेट्स है इसके ऊपर हमेशा हम गौर करते रहते हैं। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जहाँ पर हम क्या भविष्य में चुनौतियाँ होने वाली हैं इसके ऊपर गौर करते हैं और उसको और उसके साथ कैसे निपटना है उसके लिए हमेशा हमारी प्लानिंग रहती है। As I just mentioned, modernization is going to be one of our key and priority areas. When we are planning on this process, we have a long-term perspective plan based on which we plan our acquisition.